क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। परेशान लग रहे हैं आप। उषा मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सोचता हूँ कि इस्लामाबाद ले जाकर मैं किसी अस्पताल में दाखिल करा दूँ, वरना अगर वो यहाँ रही तो हालत और बिगड़ जाएगी। तो सोचना क्या है, ले जाए। मामा से बात की थी मैंने, उन्हें सख्ती से डांट दिया। मैंने कहा कि उषा मामा की तबीयत अक्सर ऐसी हो जाया करती है, उन्हें ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं और जो उनका इलाज है वो हो रहा है। क्या इलाज हो रहा है? नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि उन्हें मुसलसल एक गहरी नींद में रखा जा रहा है, उनका क्या इलाज हो रहा है? मैं कुछ दिनों के लिए चली जाऊं उनके पास। तुम क्या कर लोगी? जो शख्स खुद इतना डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता हो, वो किसी की तीमारदारी क्या करेगा? अब तो ऐसी नहीं हूं मैं। नहीं चश्मा, कुछ दिनों से तो मुझे वैसे ही लगने लगी हो। जब से हम इस्लामाबाद से वापस आए हैं, मैं तुम्हारी आंखों में कोई अनजाना सा खौफ देख रहा हूँ मुसलसल। मेरी तरफ देखा ही कब है? तुम नहीं जानते चश्मा, पहले कभी परेशान होता था तो मामा की तरफ देखता था, अब कुछ होता है तो नजर तुम्हारी तरफ उठ जाती है। पता नहीं क्यों मुझे हवेली के इर्द गिर्द अंदर बाहर कोई असेब सा महसूस होता है। क्यों लगता है जैसे हम सब एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। एक शख्स अकेला जब इतने सारे लोगों के बारे में सोचता और परेशान रहता हो तो और क्या महसूस करेगा वो? लगता है कि गला कर रही है मुझसे। तो बुरी लगी मेरी बात? आपकी नहीं, लेकिन कुछ और लोगों की बात है और उनकी बात करने का अंदाज बुरा लगने लगा है मुझे। पहले जब कहती थी कि इस्लामाबाद जाना है तो बुरा लगता था आपको, अगर अब कहूंगी कि वहीं रहने को जी चाह रहा है तो पता नहीं कैसा लगेगा आपको। बुरा लगेगा? देखो ना, मैं मामा को, उषा मामा को और दूसरे सब लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से नहीं जा सकता, और तुम्हें भी किसी बात से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझमें हौसला है अस्मदाबाद के अच्छे और बुरे मौसमों को बर्दाश्त करने का। मैं नहीं जानता मामा कि शानूर वहां क्या कुछ छोड़कर आया है, शायद कुछ ऐसी दोस्तियां, शायद कुछ ऐसे ताल्लुक जिन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और फिर कितना बड़ा कारोबार सिर्फ आपके कहने पर वो किसी और के हवाले करके आ गया है। मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि हम उसे ना तो उसके बचपन की तरफ ले जाने की कोशिश करें और ना ही उसके साथ ऐसा सलूक करें जो उसे वापस उसके बचपन की तरफ ले जाए। ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? सिर्फ यही ना कि उसे मुशीर गजन से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, बस। लेकिन मामा, ये बात आपने उसे अपने लहजे में की है। मामा, वो सारे का सारा उस मिट्टी का बना है जिसे अभी अजमताबाद की धूप में पकना है। क्या हो रहा है पुप्पी माँ, यूं अकेले अकेले? तो तुम दोनों छुप छुप कर मुझे देख रहे हो और हमें यूं लगा जैसे आप छुप छुप कर किसी को देख रही हैं। जरा देखें तो कौन है। बेटा अगर ये बात करे तो ठीक है, लेकिन बहू अगर होने वाली सास की जासूसी करे तो ये बात ठीक नहीं है भाई। कहाँ जा रही हो? वो
सबके लिए जाके कॉफी बनाओ, सख्त ठंड लग रही है। और तुम क्या देख रहे हो? अजीब सा लगा मामा। क्या आज आपने पहली बार चश्मान को अपनी बहू कहा? हाँ, वाकई यूं ही मुंह से निकल गया। चश्मान, यार ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर तूने मुझे मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई थी। हाँ राशिद यार, मैंने सोफिया से एक वादा किया था कि मैं उसे अपने होने वाली बीवी का नाम जरूर बताऊंगा। यार प्लीज तू उसे फोन कर और उसे बता के मैं बहुत जल्द चश्मान से शादी करने वाला हूँ। हेलो जी गजन बाबा। ओह माय गॉड, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। अजीब साहब फिक्र मत करें, मैं बस पहुंच रहा हूँ। तुम क्या कर लोगे जाकर? ऐसे दौरे तो अब पढ़ते रहेंगे बुजक बीबी को। लेकिन पढ़ने तो नहीं चाहिए ना मामा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं शायद वहीं रुक जाऊँ आज। हाँ मगर ज्यादा बात ना करना बुजक से, जब बोलती है तो फिर ज्यादा तबीयत खराब कर लेती है।
फूफी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है किस चीज से? इधर आओ मेरे पास आके बैठो, आओ। शागुल तो कह रहा था कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो, किसी किस्म का डर खौफ नहीं रहा तुम में। बहुत दिनों के बाद मम्मी डैडी की याद आई है। ओ, कोई ऐसा वैसा ख्वाब देख लिया होगा। बैठी रहो यहाँ मेरे पास, आ जाओ। फूफी माँ। जी बेटा। मैं इस्लामाबाद चली जाऊँ? क्या अब तुम्हें इस्लामाबाद अजमताबाद से ज्यादा अच्छा लगने लगा है? एक वो वक्त था जब हम तुम्हें इस्लामाबाद जाने को कहते तो तुम लूट जाती थी, पर बेटा शागुल तो यही है, तुम अकेली जाके क्या करोगी? काम करूंगी। क्या मुलाजमत करोगी? अजमत अमीर कलबी की होने वाली बहू काम करेगी? किसी ने जरूर तुमसे कुछ कहा है, कोई ताना दिया है, बताओ मुझे। मुझसे तो सब बहुत प्यार करते हैं, और जू जू वक्त गुजरता जा रहा है सबका प्यार बढ़ता जा रहा है, और मैं इस प्यार में तकसीम होती चली जा रही हूँ। ऐसा ना हो पप्पी माँ कि मेरा अपना वजूद, मेरी कोई शनाख्त ना बाकी रहे। कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है, मैंने तो तुझे बड़ा होते देखा ही नहीं। मेरे लिए तो तुम अब भी वही छोटी मोटी प्यारी सी गुड़िया ही हो। मैं खुद भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ फूफी माँ, उसी वक्त में और उस वक्त की सारी बातों में जीना चाहती हूँ। कैसी बातें? आपको तो मुझसे ज्यादा याद होगी फूफी माँ, वो सारी बातें। तुम्हें अजीब सी नहीं लग रही खाली कुर्सी? जाओ शागुल लाला को बुला के लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। शागुल हवेली में नहीं है। तो फिर कहाँ है लाला? रात मुशीर वजन के यहाँ गुजारनी पड़ी। सुबह सवेरे फोन आया कि वो बुजक बीबी को लेकर इस्लामाबाद चला गया। ज्यादा बीमार हो गई है वो? हाँ, उसे नींद नहीं आ रही। ये तो कोई बीमारी ना हुई, इसे देखें, ऐसे लगता है सारी रात जागती रही है। देखिए आंखें कैसे सुर्ख हो रही हैं इसकी। कभी एक नजर इन आंखों की तरफ भी डाल लिया करो चश्मान, नींद तो कई रातों से इनमें भी नहीं उतरी। इसे क्या हुआ मामा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था नूर। मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा तुमने चश्मान से? अपनी कसम तोड़ दी ना मामा। अभी तक तो नहीं तोड़ी मैंने अपनी कसम, लेकिन मामा मैं अंदर से बहुत कमजोर होता जा रहा हूं। अगर आपने ज्यादा देर की ना तो मैं भी टूट जाऊंगा और मेरी कसम भी।
मीरा घर पे ही होती है ना? अब घर पर सिर्फ मैं ही होता हूँ, मीरा नहीं। क्या मतलब, कहाँ होती है वो? सफेद चोटी पर जाकर देख लो, शायद वहां मिल जाए। सफेद चोटी? क्या कर रही हो यहां? दुआ मांग रही थी। किसके लिए? जाहिर है, अपने लिए, अपने नूर के लिए। मगर बहुत दिन हो गए मुझे किसी से बात किए हुए, इसलिए आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। तुमने कहा था ना कि शानू से सब कुछ कह दूं, मैंने कह दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, खुद मुझे भी कब मालूम था कैसा होगा। क्या कहा उसने? उसे छोटी सी मीरब याद थी जो उसके लिए चेरीज जमा करते हुए हाथ जख्मी कर लिया करती थी। उसे ये भी याद था कि मेरी बात मान लो मीरब, तुमसे झूठ बोल रहा है। नदीम से वापस आने वाला नूर किसी भी लड़की से इस तरह की बातें कर सकता है। तुम्हें क्या जलन होने लगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से जलने की। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रही हूं कि मैंने कहा था ना सिर्फ मैं बोलूंगी। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि तुम और शागुल एक दूसरे से प्यार करते हो, और जब मैंने उसे बताया तो वो देर तक हंसता रहा। तुमने बताया उसे? हाँ, और जब उसने पूरी बात सुन ली तो कहने लगा कितना अच्छा लगेगा जब वो शागुल दूल्हा बनेंगे, वो मेरा और शागुल तुम्हारा। उसने ये नहीं कहा होगा। क्यों? वो ये कह ही नहीं सकता, वो तो कुछ और ही। अब मैं जिंदा रहूंगी चश्मान, वो सब देखने के लिए जो नूर ने मुझसे कहा है। हवेली में सजती हुई दो बारातें देखने के लिए जिंदा रहूंगी मैं, इसलिए मैंने सफेद चोटी से माफी मांग ली है। आइंदा मैं कभी यहां से खुद को गिराकर रेजा रेजा करने की बात नहीं करूंगी। क्या सोच रही हो मेरी जान? पता नहीं मीरा, शानू तुमसे सच कह रही है झूठ, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक तल्ख हकीकत यह है कि तुम्हारा नूर मुझसे शादी करना चाहता है। ये सब तो उसने मुझसे भी कहा था मुझे तंग करने के लिए। मैं सचमुच रूठ भी गई थी उससे, फिर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में झांका और कहने लगा मजाक कर रहा था मैं, भला ऐसा सोच सकता हूँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर आ जाओ मीरा। जी भर गए इनसे, तंग आ गए। हाँ, इसलिए कि कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। तुम कहाँ थी सारा दिन? हवेली में। तो आप मुझे हवेली में तलाश कर रहे हो? तुम कहीं गुस्से की लपेट में ना जाओ, इस बात की फिक्र लगी रहती है मुझे। ये तो होगा जरक भाई, ये आग जो आपने अपने घर में लगा रखी है ये मुझे वहां लगानी है, उस हवेली में।
मुझे मना करते करते खुद भटकने लगी हो। देखो मुझे एहसास हो गया है कि हवेली की दीवारों से सर टकराना बेसूत है, और जब ये मालूम हो कि अपने हाथ कुछ नहीं आने वाला। अब किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा जरक भाई, ये छीना झपटी तो खुद हवेली के अंदर शुरू होने वाली है। बचपन की वो आंख मचोली तो याद है ना आपको, जो हम सब मिलकर खेला करते थे। अब हम दोनों बहन भाई दरख्त के पीछे छुप छुप कर उन्हें देखेंगे, नूर, गुल और चश्मान की आंख मचोली। कैसी बातें कर रही हो तुम? बस आप देखते जाए, मुझे तो सिर्फ उन तीनों की आंखों पर पट्टियां बांधनी है बस। बाबा अच्छा है अभी आप सोए नहीं। क्यों? शाम से पता नहीं कितनी बार मागुल बेगम का पैगाम आ चुका और अब तो उनकी गाड़ी भी यही खड़ी है। बुजुर्ग क्या नहीं है, तो मेरा जी नहीं चाह रहा किससे बात करने को। आजम बेग अच्छी बुरी होश में बेहोशी में वो जैसी भी है है तो मेरी जिंदगी की वाहिद साथी ना। चाची मां ठीक हो जाएगी वतन बाबा। हाँ मगर उसे कोई ठीक होने तो दे। शायद मांगुर बेगम उन्हीं के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती है। मैं खुद अपने बुजुर्ग से बात कर रहा था। क्या बात है मुशीर वतन, आज हमारे मुशीर की वो तमकनत कहाँ गई? रजन आपके सामने हमेशा ऐसे ही हाजिर हुआ है काकी माँ। बुजुर्ग की हालत ने आपको ही नहीं मुझे भी निढाल कर दिया था। था? हाँ, इसलिए कि शागुल ने आज फोन पर जो कुछ बताया है उससे मेरी सारी फिक्रें दूर हो गई। क्या कहा शागुल? बुजुर्ग के सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की बीमारी नहीं उसे। अगर वो ठीक है काकी माँ तो फिर यकीनन हम सब बीमार होंगे। आप शुक्र क्यों नहीं करते कि वो? अगर वो ठीक है काकी माँ तो फिर रातों को उसके अंदर से कौन बोल रहा होता है? किसके कहने पर वो अपना सर चरपाई से टकरा कर खुद को लहूलुहान कर लेती है काकी माँ? फिर तो ये कोई आसेब होगा ना, क्योंकि आसेब ही होता है जो डॉक्टरों को किसी टेस्ट में दिखाई नहीं देता। मेरा ख्याल था ये खबर सुनकर आपका जी हल्का हो जाएगा। शाम से बेचैन थी मैं आपको ये इत्तला देने के लिए। एक इत्तला मेरे
मेरे पास भी एक आखिरी मौत फोन शाह बोल ने मुझे भी किया था बुजुर्ग को कुछ याद नहीं रहा कि मां मुबारक को आपको वो अपनी यादाश्त खो चुकी मामा कैसी हैं आप मुझे पता है आपको बहुत भूख लगी हुई होगी देखिए ना आपके हाथ का बना हुआ खाना तो बहुत खाया हमने आज सोचा आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं किसके हाथ का शागुल के हाथ का आपके बेटे के हाथ का ये हाथ भूल गई आप ये हाथ कभी छोटे छोटे से हुआ करते थे नन्हे मुन्ने से दस्ताने भी बनाए हैं आपने इन हाथों के लिए मगर वो तो शागुल के हाथ थे ये हाथ भी शागुल के हैं उषा मामा मगर मेरा शागुल तो इतना आसा था मेरी गोद में पड़ा रहता था और जब जोर से रोता था तो अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी भिगो देता था कितनी अजीब बात है उषा मामा आपको वो शागुल तो याद है लेकिन ये शागुल याद नहीं वेल डन वेल डन वेल डन आइए डॉक्टर साहब आइए प्लीज मैंने आपसे कहा था ना इनकी याददाश्त इसी तरह की बातों से वापस आ सकती है जी डॉक्टर साहब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाता है हम इसे अपनी मेडिकल लैंग्वेज में टेम्प्रेरी एमिनीजिया कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब इनकी इस हालत की वजह से बड़ी मुश्किल पेश आ रही है मुझे टीका कौन लगाएगा अब आपको कोई टीका नहीं लगेगा काश इन्हें वो इंजेक्शन ना लगे होते अगर बुजुर्ग पर किसी आसेब का असर है तो मुझे क्यों कोसते हैं आप इसलिए कि उसे उन इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी जो आप लगवाती रही हैं उसे डॉक्टर ने कहा है कि उसकी याददाश्त उन टीकों की वजह से खत्म हुई है जो उसे हद से ज्यादा लगा दिए गए हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप मैं बुजुर्ग की दुश्मन हूँ नहीं बुजुर्ग तो आपके बचपन की सहेली है आप उसकी दुश्मन कैसे हो सकती मगर जब सहेलियों के सीनों में कोई राज दफन हो तो किसी नाजुक वक्त में वो बदतरीन दुश्मन भी साबित हो सकती ये डर था ना आपको कि वो कुछ बोल दी इतना रखे वो कुछ नहीं बोल सके आप होश में नहीं है मुशीर हसन आज आपने वो हरकत की है जो इलाके के मुशीर को जेब नहीं देती क्या क्या किया है मैंने एक सच बोलने का गुनाह किया है बस हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए काकी मां मगर मैंने जो भी किया अल्लाह का शुक्र है मैंने अब तक अपने हवास को नोश जो भी कहा पूरे हक और पूरे होश से ही कहा है अगर होश में नहीं रहे तो मेरी बुजक्का की मां मैंने इस बात पर मुबारकबाद दी तो आपको बहुत बुरा लगा
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए था, इसलिए शायद आप यही तो चाहती थी।